जय श्री राम सभी को। मेरा नाम जनक सिंह चौहान है, मैं गुजरात में थराद से नारोली से हूँ। मैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी यात्रा का एक उद्देश्य है, जो 1480 में साइक्लोन के कारण राम सेतु पानी में धस गया था, उसका पुनर्निर्माण हो, इसी मैसेज के साथ मैंने 26 मार्च को गुजरात में द्वारका से यात्रा स्टार्ट की। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, तब मैंने सोचा कि राम सेतु के बारे में पढ़ा, फिर मैंने डिटेल में 6 से 8 महीना रिसर्च किया और मैंने 500 से ज़्यादा अधिक रामायण पढ़ी। तब मैंने ये डिसाइड किया कि राम सेतु कब तक था और कैसे एक्चुअल में बना था। तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है वो पत्थर से बना है, बट मैं सच्चाई बताता हूँ, पत्थर था, बड़ी बड़ी टहनियाँ थी, पुष्प थे, डाली थी, रेती थी, हर चीज़ का मिश्रण बना के राम सेतु बनाया था। ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। और 1480 तक भारत से श्रीलंका ट्रेड भी होता था, बट 1480 में साइक्लोन के कारण वो पानी में धस गया था। फिर मैंने यात्रा के बारे में सोचा, फिर मैंने गुजरात से द्वारका से नागेश्वर, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकाल, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली से हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीम करोली बाबा, कैची धाम, वहाँ से होते हुए काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से मैं गया हूँ बद्रीनाथ से होते हुए झारखंड से होते हुए बाबा धाम बैद्यनाथ, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी। तो मेरी यात्रा का एक ही मकसद था कि राम सेतु पुनर्निर्माण हो, ऐसा मैसेज उठाया जाए और मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँची है। अभी 4 दिन पहले गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसाइड किया है, और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे भी भारत आए थे और उन्होंने ये बताया और 4 दिन पहले अनाउंस किया कि भारत और श्रीलंका के जोड़ता हुआ एक ब्रिज तैयार होगा और वहाँ से वाहन व्यवहार होगा और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए जाएंगे। मेरी यात्रा सफल हुई है, गवर्नमेंट तक मेरी ये बात पहुँची है, इसीलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पे आए इसीलिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। Come on.